अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? अगर आप सबको अपने सामान में रखें जी। क्लास वन हमारा जो 20% सिलेबस चल रहा है उसका आज सेकेंड लेक्चर होगा, और सेकेंड लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चलो स्कूल चलें जी। चलो स्कूल चलें ये एक चैप्टर है। इसमें देखिए दो कैरेक्टर हैं, एक है अहमद और एक है ज़ारा। वो दोनों स्कूल जा रहे हैं, किस तरह की बातें करते हैं इसकी रीडिंग हम करते हैं। देखें सबसे पहले क्या है, अहमद और ज़ारा स्कूल जा रहे हैं जी। सबसे पहले अहमद और ज़ारा स्कूल जा रहे हैं, और अहमद क्या कहता है, खुदा हाफिज़ अब्बू, खुदा हाफिज़ अम्मी। अब ज़ारा और अहमद जो हैं वो अम्मी अब्बू को खुदा हाफिज़ करके स्कूल जा रहे हैं। अहमद ने जमात में दाखिल होने से पहले इजाज़त ली, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? देखिए क्लास वन, अहमद जो है वो जब स्कूल आया, स्कूल में जमात में जाने से पहले उसने अपनी टीचर से अपने उस्ताद से इजाज़त ली, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि आप देख रहे हैं अहमद और ज़ारा जब स्कूल जा रहे हैं तो अपने अम्मी अब्बू को खुदा हाफिज़ करके जा रहे हैं। क्लास में आने से पहले उन्होंने इजाज़त ली, इसका मतलब ये है कि चलो स्कूल चलें जो चैप्टर का नाम है वो हमें क्या सिखाता है, अदब, तमीज़ और ये चीज़ें कि जब हम स्कूल जाएँ तो अल्लाह हाफिज़ करके जाएँ, इजाज़त लें और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें जी। ज़ारा ने अपनी दोस्त आमना को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। अब उसकी दोस्त जो आमना है वो क्या कहती है, वालेकुम अस्सलाम। मिस निदा ने ज़ारा को इनाम दिया, तो जब मिस निदा ने ज़ारा को इनाम दिया तो ज़ारा क्या कहती है, शुक्रिया। ज़ारा ने उनका शुक्रिया अदा किया जी। क्लास वन, ये तो हमारी चैप्टर की रीडिंग हो गई चलो स्कूल चलें की। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। सबसे पहले इसमें एक्सरसाइज में है सवालात के जवाब आते हैं। अहमद ने अम्मी को क्या कहा जी, आप बताएं, अहमद जो है जब स्कूल जा रहा था तो उसने सबसे पहले अम्मी अब्बू को क्या कहा था, खुदा हाफिज़ अम्मी। उन्हें ज़ारा ने आमना को क्या कहा, ज़ारा जब स्कूल आई तो उसने अपनी दोस्त आमना को क्या कहा था, अस्सलाम वालेकुम। और फिर ज़ारा ने मिस निदा को क्या कहा, जब मिस निदा ने ज़ारा को तोहफ़ा दिया, इनाम दिया, तो उसके बदले में ज़ारा ने इसको क्या कहा, शुक्रिया। दूसरा सवाल है लफ्ज़ बनाएं, इसमें अरकान होते हैं यानी हरूफ को अरकान की सूरत में मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना होता है, रे हे बड़िए रहे। ठीक है, इसी तरह है स्कूल, दोस्त, सलाम, इनाम, शुक्रिया। इन हरूफ को जब हम जोड़ेंगे तो ये अल्फाज बनेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके बाद अगला जो पेज है 78 78, उस पर है कॉलम मिलाना है आपने, सुने और मिलाएं, आप क्या कहेंगे जब कोई आपके घर आए तो क्या कहेंगे आप, क्या मैं अंदर आ जाऊं, शुक्रिया, खुदा हाफिज़ या अस्सलाम वालेकुम, इनमें से क्या कहेंगे जब कोई आपके घर आए, तो डेफ़िनेटली आप सलाम करेंगे। ठीक है, और जमात में दाखिल होने से पहले क्या मैं अंदर आ जाऊं, जब कोई आपको तोहफ़ा दे, शुक्रिया, जब कोई आपके घर से जा रहा हो तो क्या कहना चाहिए, खुदा हाफिज़। इस तरह इनकी मैचिंग करेंगे आप, ये काम आप बुक पे ही करेंगे। और फिर इससे अगला है खाली जगह बुक करें, ज़ारा मेरी दोस्त है, ये तोहफे मेरे हैं, तुम अहमद के दोस्त हो, हम स्कूल जाते हैं, मैं रोज़ किताब पढ़ती हूँ। अच्छा क्लास, इसमें आगे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, अब आपने सिर्फ ये देखना है कि इसमें है लगाना है, हैं लगाना है, या हो आएगा या हूँ आएगा, इसको आप जुमले के सेंस के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं, यानी आप जब ये लफ्ज़ पढ़ेंगे स्कूल, स्कूल और स्कूल, इनमें से देखेंगे कि दुरुस्त तलफ़ुज़ और लफ्ज़ जो बनावट के लिहाज से हैं वो क्या है, इनमें कौन से हरूफ हैं जो सही इस्तेमाल हुए हैं जिससे लफ्ज़ मुकम्मल बनता है। आपने आज तक स्कूल लिखा और पढ़ा, क्या वो स्वाद से बनता है या सीन और काफ से बनता है, नुक्तों वाले काफ से, नहीं, ये बनता है सीन काफ वाउ लाम स्कूल। इसी तरह है इजाज़त, दोस्त, तोहफ़ा, जमात, जो दुरुस्त लफ्ज़ हैं उनके गिर्द हम लगाएंगे दायरा। ठीक है जी क्लास, आपका ये जो चैप्टर है चलो स्कूल चलें ये कंप्लीट हो गया है, इसके आप नोट्स की तरफ नज़र डालते हैं। इसमें सबसे पहले हैं इमला के अल्फाज, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दोस्त, सलाम, इनाम, शुक्रिया, इजाज़त। इसी तरह इसके जुमले बनाएंगे, स्कूल, दोस्त, इनाम, ठीक है, मुझे अपना स्कूल पसंद है, अली मेरा बेहतरीन दोस्त है, मिस ने मुझे इनाम दिया, बॉयज़ हैं वो अली या अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, और गर्ल्स आप अपनी फ्रेंड का नाम लिख सकती हैं। और सवालात के जवाबात हैं, अहमद ने अम्मी को क्या कहा, अहमद ने कहा खुदा हाफिज़ अम्मी, ज़ारा ने आमना को क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम, ज़ारा ने मिस का शुक्रिया अदा किया, क्यों, क्योंकि ज़ारा ने मिस निदा को
मिस निदा ने ज़ारा को इनाम दिया था, इसलिए ज़ारा ने उनका शुक्रिया अदा किया। मिस निदा ने ज़ारा को क्या दिया? इनाम दिया। अहमद ने जमात में दाखिल होने से पहले क्या किया? अहमद ने इजाज़त ली। जी क्लास वन, आपको ये जो चैप्टर है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है, इसके रीडिंग करें और तलफ़ुज़ की अदायगी पर गौर करें। इसके साथ इसके होमवर्क का जो तरीक़ाकार है वो आप जानते हैं, उनवान लिखेंगे और नीट एंड क्लीन काम करेंगे मार्जिन लाइन ड्रॉ करके। जी ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।